अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं लाहौरी मुर्ग छोले, जिसको खोए वाले छोले भी बोलते हैं, और उसके साथ हम बनाने वाले हैं रोगनी नान, जिसके साथ इसको खाया जाता है। तो सबसे पहले हम रोगनी नान बनाएंगे। नान का डो गूंद लेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। उसमें 1 टीस्पून पाउडर शुगर और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, और ये एक्टिव ईस्ट है, 1 टीस्पून इसको ऐड कर देंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल भी ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसको विदाउट ईस्ट भी बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ऑयल और ईस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। फिर थोड़े थोड़े पानी का यूज़ करते हुए सॉफ्ट डो गूंद लेना है, और डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, डो हमारा गूंद कर रेडी है। अब इसको कवर कर देंगे और इसको रेस्ट दे देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, और गर्म जगह पर रख देंगे राइज होने के लिए। तो हम हमारे छोले बना लेते हैं। ये मैंने चने लिए हैं, काबुली चने, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखिए, अच्छे भी है और बॉईल भी हो चुके हैं, मैश भी हो रहे हैं। तो ये 200 ग्राम्स मैंने चने लिए हैं। इसको सिंपल मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है, और कुछ भी नहीं डाला है इसमें मैंने। और ये मैंने प्याज ली है, प्याज मैंने एक बड़ी साइज़ की ली है, और ये हरी मिर्चें ली हैं चॉप करके। आप जितने छोले ले रहे हैं उसकी आधी उसमें प्याज जाएगी, और जितने मैंने छोले लिए हैं उतनी ही मैंने इधर पर चिकन भी ली है, इसमें चिकन भी जाएगी। मैंने बोनलेस ली है, उसको छोटे छोटे पीस में कट किया है। आप चाहे तो हड्डी वाली भी चिकन ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चमचे हरी मिर्चियों का पेस्ट लिया है। मसाले इसमें बहुत ही कम जाएंगे, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का यूज़ किया है। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल और 1 बड़ी इलायची। इनको पीस लेना है, पीस कर इसका पाउडर बना लेना है और इसमें ऐड कर देना है, और बाकी कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे। और हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो ये मैंने तेल ले लिया है, 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। उसको गर्म हो जाने के बाद उसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, ब्राउन कर लेना है। बिरिस्ते की तरह हम इसको भूनकर ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, जैसे हम बिरयानी के प्याज को करते हैं उसी तरीके से फ्राई करेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ताकि ये और फ्राई होना रुक जाए। पानी डालने से ये होगा कि प्याज हमारी जलेगी नहीं, और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको भून लेना है, इतना भून लेना है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में मसाले। तो ये देखिए, अदरक लहसुन भूनने के बाद अब हमारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, और ये जो पाउडर मैंने बनाया है गरम मसाले का, वो भी ऐड कर देंगे, और इनको भी मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे इसमें, और लो फ्लेम पर दही को भी अच्छे से भून लेना है और पका लेना है। इतना मसालों को पकाएंगे कि सारे मसाले एक जान हो जाए। तो ये छोले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप एक बार इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़ेदार लगते हैं नान के साथ खाने में, या आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब छोले ऐड कर देंगे और चिकन ऐड कर देंगे इसमें। आप लेग पीस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाली चिकन से और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है इसमें, बट मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ किया है। और आप चाहे तो इसमें बॉईल किए हुए अंडे भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैंने 1 ग्लास पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसमें चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड करेंगे,
सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने अभी तक ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने जो छोले बॉईल किए थे उसमें भी सॉल्ट था, तो अभी मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है। इनको मिक्स कर लेंगे और उबाल आने देंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है, इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि तेल ऊपर आ जाए और छोले हमारे पक जाए। तो ये देखिए 2 घंटा हो चुका है, डो हमारा अच्छी तरह से राइज हो चुका है। तो इस पर मैदा डस्ट कर लेंगे और इसके पार्ट कर लेंगे। जितने आपको बड़े साइज़ के नान बनाने हैं या छोटे साइज़ के बनाने हैं, हम इसको विदाउट तंदूर और विदाउट ओवन बनाने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बटर नान बनाना बताया है कोरमे की वीडियो में, जो मटन कोरमे की वीडियो है, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया था बटर नान। तो एक बोल उठा लेंगे, उस पर मैदा डस्ट करेंगे और उसको रोल कर लेना है। पूरा रोल नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा रोल कर लेंगे उसको, फिर उसके ऊपर ये मैंने सफ़ेद तिल ली है ये डाल देंगे। और इसको हाथों से दबाने के बाद बेलन से दबाते हुए रोल कर लेना है। अगर आप ज़्यादा मोटे मोटे नान बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ थोड़े पतले बना रही हूँ, आप मोटे भी रख सकते हैं इनको। और हाथों की मदद से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना देनी है, या फिर आप स्पून का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे भी इसमें कट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे नान बेल कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए छोले हमारे पक चुके हैं, माशाल्लाह तरी भी आ चुकी है। ये तरी वाला और इसी तरीके का पतला बनता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, गाढ़ा भी कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट है, इतना ही पतला होता है ये। तो अब हम इसमें एक तड़का लगा लेंगे। मैंने घी ले लिया है 2 चम्मच। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। ये देखिए हरी मिर्चों को अच्छा सा तड़का लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। बस 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और ये देखिए छोले हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये पूरा घी में ही बनाया जाता है, बट मैंने पूरा घी में इसको नहीं बनाया है, बस ऊपर से तड़का दिया है घी का। तो ये देखिए तवा हमारा गरम हो चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे और नान को उस पर रख देंगे। आप चाहे तो पीछे इसके पानी लगा ले, नान को पलटी करके उसके ऊपर पानी लगा कर उसको डाल दे तवे पे, और वो जब चिपक जाए तो तवे को पलटी करके भी आप सेक सकते हैं। देखिए एक साइड से पक चुका है, बट मैं इसको नॉन स्टिक पर पका रही हूँ तो ये नहीं चिपकेगा इस पर। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसको सेक लूँगी। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और इस तरीके से उसको सेक लेना है, जिससे तंदूरी फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें और नान भी बनकर रेडी हो जाएगी। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं ये। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा रोगनी नान बनकर रेडी हुआ है। तो सारे इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए दूसरा वाला भी सेक लेंगे, हल्का हल्का इसको हर तरफ टर्न करते हुए सेक लेना है। तो ये दूसरा भी हमारा बनकर रेडी है। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे नान बने हैं, रोगनी सॉफ्ट, हमने घर में बनाकर इसको रेडी किया है। और ये हमारे खोए वाले चने मुर्ग छोले भी बनकर रेडी है, जो कि इसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी रेसिपी के, वो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी। तो फिर मैं मिलती रहूंगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।